वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CEEI पिलानी का तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट पर एक रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2024 डेटेड 16 February 2024, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 March 2024 कंप्लीट हुआ था। और टेक्नीशियन पोस्ट में टोटल 28 सीट था, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का वैकेंसी था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का वैकेंसी था, कोपा ट्रेड का वैकेंसी था, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड का वैकेंसी था और वेल्डर ट्रेड का वैकेंसी था। तो इसमें जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ तब से इसका कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था, फाइनली इसका अपडेट आ गया। स्क्रीनिंग लिस्ट का PDF इसमें अपलोड किया गया ऑफिशियल साइट पर। जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हुआ है ट्रेड टेस्ट के लिए और जो भी स्टूडेंट रिजेक्ट हुआ है उसका अलग से दो लिस्ट पब्लिश किया गया है, और इसी का अपडेट देने के लिए मैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले कि किस किस कारण से कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है वो सबसे पहले देख लेते हैं, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी आपको कैसे मिलेगा और जो नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसका लिस्ट कैसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे अगर आपको टेक्निकल जॉब का हर एक अपडेट अगर आपको देखना है तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप CSIR CEEI का ऑफिशियल साइट पर आते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए सबसे पहले स्क्रीनिंग रिजल्ट इन एडवर्टाइज नंबर जो मैं आपको बताया हूँ /2024 फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, इसका PDF डाउनलोड करके देख लेते हैं। देखिए इससे आपको जानकारी मिल जाएगा कि ऑफिस मेमोरेंडम स्क्रीनिंग रिजल्ट इन RO CSIR CEEI एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया है। देखिए स्क्रीनिंग कमेटी जो भी एक फाइनल डिसीजन पर पहुँचे हैं, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट आप लोग सिलेक्ट हुए हैं उसका अलग से लिस्ट निकाला गया है और नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट का अलग से लिस्ट निकाला गया है। ये जो लिस्ट निकाला गया है इसके लिए देखिए कहीं सारे रीज़न है, रीज़न कितना है, टोटल 17 को रीज़न है। जैसे R1 अगर आपका नाम के पास अगर R1 दिखाई दे रहा है मतलब इस कारण आप रिजेक्ट हुए हैं, जैसे ITI सर्टिफिकेट या मार्कशीट नॉट अपलोडेड। R2 जैसे दिया है 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट नॉट अपलोडेड। R3 कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड। R4 एप्लीकेशन फी नॉट पेड, रॉन्ग ट्रांजेक्शन डिटेल्स फील्ड। देखिए इसमें टोटल 17 गो रीज़न है जिस कारण से आप लोग को रिजेक्ट किया गया है, और इसमें जो R4 रीज़न नंबर 4 है एप्लीकेशन फ़ी नॉट पेड या रॉन्ग ट्रांजेक्शन डिटेल्स फील्ड, इस कारण से अगर आपको रिजेक्ट किया गया है और अगर आपके पास सही ट्रांजेक्शन डिटेल्स है तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए आप एलिजिबल है। जब ट्रेड टेस्ट के लिए आपको अलग से डेट टाइम वेन्यू मिलेगा तो तब आप लोग जा सकते हैं ट्रेड टेस्ट देने के लिए, अगर आपके पास सही ट्रांजेक्शन डिटेल्स है तो। तो बाकी देखिए जितने भी रीज़न है इस कारण से अगर आपको रिजेक्ट किया गया तो आप एलिजिबल नहीं है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप चेक कर लीजिए, इसमें बोला है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हिच विल बी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इसका वेबसाइट में जब ट्रेड टेस्ट का डेट टाइम वेन्यू आएगा तो ये शो हो जाएगा। तो यही आपको बोला है इस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया, स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या क्या देखा है सिलेक्ट कैंडिडेट का लिस्ट बनाने के लिए। तो ये चार रीज़न, चार के साथ जनरल रिमार्क्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो हम लोगों के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है कि एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट देख लेना। तो देखिए Annexure 1 आप क्लिक कीजिए, Annexure 1 है एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ट्रेड टेस्ट, इसमें आपको मिल जाएगा टोटल 43 पेजेस का इस PDF से। आपको अगर अपने नाम दिखाई दे रहा तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है मतलब नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट का PDF में आपको अपना नाम शो हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर अपना नाम सर्च करना है तो इधर जैसे प्रकाश है, PRA
के ऐसे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको देखिए अपने नाम इजीली दिखा देगा, या आपके पास अगर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी डायरेक्ट सर्च कीजिए आप अगर एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट में है तो आपको शो करेगा। तो देखिए जब इधर आपका नाम शो कर रहा है बहुत अच्छा है, जिसका नहीं शो कर रहा है वो रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट कैंडिडेट का लिस्ट देखने के लिए एनेक्सा 2 को आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद देखिए इसमें आपको दिखा देगा लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ट्रेड टेस्ट, टोटल 54 पेजेस का। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट का पीडीएफ था 43 पेजेस का, और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट का पीडीएफ है 54 पेज का, मतलब आधा से ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया है। जैसे देखिए 7 नंबर कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ रीजन 4 के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ। जैसे 14 नंबर का कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है रीजन 4 के लिए, जिसके भी नाम के पास R4 है रीजन 4 है, अगर आपके पास सही डिटेल है तो आप जा सकते हैं ट्रेड टेस्ट देने के लिए, जब ट्रेड टेस्ट का टाइम वेन्यू डेट आएगा। ओके, बाकी देखिए रीजन 4 छोड़कर जैसे रीजन 2, 3, रीजन 10, रीजन 1, 3, रीजन 4 इधर है रीजन 1, 2, तो टोटल इसमें पीडीएफ से आपको अपना नाम मिल जाएगा अगर आप रिजेक्ट हुए हैं। तो यही था आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं अभी आज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। ऐसे अगर आपको टेक्निकल जॉब का प्रॉपर अपडेट अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।